बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज हम आए हैं लव लेन पे। लव लेन इज़ वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट मस्ट विजिट प्लेस इन लखनऊ। और लव लेन के बारे में अभी चलते चलते मैं बताता हूँ कि व्हाट इज़ लव लेन। सभी आइटम्स यहाँ पे मिलता है, ड्रेसेस है बेसिकली, तो शॉपिंग के लिए बहुत है। जैसे ये देखिए पूरा ड्रेस वगैरह है। या इवन बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्सो, बॉयज का भी है उधर। यहाँ की इसलिए फेमस है क्योंकि ये जो लेन था पहले बिफोर मुगल, जब ब्रिटिश आए हुए थे उस टाइम पे उन्होंने ये लेन डेवलप करवाई थी। और पहले ब्रांडेड मतलब जो कैमरे और ब्रांड फर्स्ट काइंड ऑफ ब्रांड यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो इसको लव लेन कहा जाता है क्योंकि वो अपने वाइफ के साथ में घूमा करते थे। हम लोग भी लव लेन में लव इंजॉय कर रहे हैं आज। और अगर आप लखनऊ में पहली बार आए हैं तो चिकन का कुर्ता, चिकन खाने वाला चिकन नहीं, पहनने वाला चिकन। तो अभी हम लोग आए हैं ये दूसरे साइड में हजरतगंज के सामने की लेन है, तो बहुत अच्छे बेल्ट्स और ये शूज, ये चिकन का कुर्ता आधा आधा से बना है आधा। चलिए लेते हैं, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। दिखेगी नहीं मेरी मुस्कुराहट मास्क की वजह से, आई होप कि सुनाई दे रहा होगा। लेकिन यह है कलकत्ता इन स्टाइल, यहाँ पे भी ये आपको कुर्ते और ये सब मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे। एंड इट इज़ वर्ल्ड फेमस, यहाँ पे दुनिया और हर जगह के लोग भी आते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स का है, रॉयल कैफे था क्या? अच्छा, तो रॉयल कैफे यहाँ का बहुत ही फेमस कैफे है, तो यहाँ पे आप दिखाते हैं। और स्ट्रीट वेंडर भी आजू बाजू हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। This is for book, तो इसका नाम है यूनिवर्सल बुक फॉर प्लेजर, सो वॉट फॉर बुक लवर्स इट इज़ गुड। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने कॉमन नोटिस की है कि ब्लैक बोर्ड में वाइट से लिखा है, बहुत ही अच्छा कंट्रास्ट आता है। और सभी लोग ने ये मेंटेन, ऑलमोस्ट सभी लोग ने लिखा है। और ये है आपका फेमस रॉयल कैफे, ये फेमस रॉयल कैफे। अगर आप लखनऊ में आते हैं तो यहाँ बिल्कुल आइए। देखिए रॉयल कैफ़े का नोटिस बोर्ड, रॉयल कैफ़े नो मास्क नो एंट्री, मेंटेन सोशल डिस्टेंस। तो दिस मैसेज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, हर जगह मास्क पहनिए, खाते समय बस निकाल सकते हैं, बाकी अलाउड नहीं है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं रॉयल कैफ़े में क्या फेमस है। ये हमारे मौर्य जी है, हाय करिए। हेलो हाय, बहुत ही फेमस है
तो अभी लखनऊ अगर सर्च करते हैं फेमस है सब बदनाम किए हुए यूट्यूब पे है। क्या खाएंगे दिल से आप जो भी दें दिल से बनाओ दिल से तो कुछ फिर बनाना पड़ेगा। ये दिल से तुमको दिल्ली खिलाए दे रहे हैं ये फ्लेवर दिल से बना रहे दिल से मिल्क खाओगे पक्का दिल से बता। इसको दिल से खाना नहीं सिर्फ टेस्ट करना है ठीक है टेस्ट करने के लिए। अभी आपके लिए मैं बास्केट बना रहा हूँ कौन सा बनाऊँ जो आपका दिल करे जो भी आपका दिल करे। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को कि बास्केट चाट अभी जो हर जगह मिलती है ये है एक्चुअल ओरिजिनल बास्केट चाट। तो आजकल जैसे बैंगलोर में और हर जगह पे मेन्यू में आ चुका है बास्केट चाट लेकिन वो छोटा सा एक टार्ट बना के रख देते हैं। ये नहीं पूरी दुनिया को मैंने सिखा दिया है ऐसा नहीं सभी को सिखा दिया लेकिन सबने क्या किया है एक टोकरी हर किसी ने बना ली है जी लेकिन अंदर की फीलिंग अभी तक नहीं पकड़ पा रहे जी उसी में मेरी बदनामी हो रही है। हम चाहते कि हमसे अच्छा बनाए सब खाते हैं मिर्च खाएंगे नहीं नॉर्मल रखिए। ये आपका बास्केट जो है रेडी हो गया है एक बार दो और ये डाल दें और ये है ये हाथ मोला है इसको मत छोड़ना है आज बोला खाया सब हजम। ये आपका बास्केट रेडी हो गया तो आज का लंच यहीं पे खत्म हो जाएगा लंच करने की जरूरत नहीं है कितना मतलब ज़्यादा है ना तो आप बैठ सकते हो। तो अभी इसको ख़त्म करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आइए आप डायरेक्ट आइए अरे तो मौर्य जी इतने दिल वाले हैं कि खुद ही हमारे वेलकम आपका स्वागत भाई आप इतनी दूर से आए हमारी गलियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत है जी। थैंक यू कोई कमी ना बेटा देखिए सब गेस्ट आ गए देखिए चाट खाने मिलने के लिए सिर्फ आए सुबह से परेशान है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं और चाट खाइए आप रॉयल कैफे में हैं। सो ये है एक्चुअल ओरिजिनल बास्केट चाट और स्पेशल हम लोग को अपने दिल से बनाया है तो देखते हैं कैसा है। और ये है कि दिस इज द ओरिजिनल बास्केट चाट और आपको ओरिजिनल टेस्ट करना है तो आप लखनऊ आइए यहाँ पे खाइए। तो ये है हमारी बास्केट चाट सो फर्स्ट टाइम वी हैव कम हियर लेकिन बहुत दिल से उन्होंने बनाया है तो देखते हैं कैसा लगता है। और देखिए दही और इतनी पापड़ी हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड मतलब टेस्ट खट्टा मीठा हर तरह के टेस्ट इसमें आ रहे हैं। और साथ में उन्होंने दिया है ये इसको बोलते हैं हाजमोला ये दूसरे तरीके का हाजमोला है तो देखते हैं कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा हाजमोला है ये खट्टा नहीं है बहुत ही मीठा और खट्टा और सब चीज़ मतलब इसमें मिला हुआ है। तो इस अभी खाते हैं और ख़त्म करते हैं उसके बाद दिखाते हैं। तो गाइस चाट बास्केट वाज वेरी ऑसम अभी अपन चलते हैं और दिल से डिश है बिल्कुल ये क्या है वाओ प्लीज़ बैंग द बेल इफ यू सेटिस्फाइड तो आप तीन बार बजाइए एक्सेलेंट के लिए।
तो तीन से ज्यादा हो गया, चार बार। तो बहुत ही अच्छा था, एक्सेलेंट, थैंक यू। और अभी अपन चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं घर और दूसरी जगह मिल। कहाँ रह रहे हैं? हम लोग बैंगलोर से हैं। बैंगलोर? अरे वहाँ बहुत सही जगह। अभी बैंगलोर जाएंगे? नहीं, अभी जा रहे हैं नैनीताल, उसके बाद में बैंगलोर। घूमने जाएंगे जी? कल ही चल जाए, वोटिंग वोटिंग करेंगे। ठीक है, बाय। हैप्पी जर्नी जी। थैंक यू। सो गाइस, कैसा लगा आपको बास्केट चाट? अरे आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप नहीं आएंगे? तो करते हैं अभी ब्लॉग की एंडिंग, और अभी अपलोड भी तो करना है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर। बाय।